नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रियलमी की तरफ से आने वाले एक TWS, जिसका मॉडल है रियलमी बड्स T300। और ये मैंने ब्लैक कलर में बाय किया है। ये व्हाइट कलर में भी अवेलेबल है, पर मुझे ब्लैक कलर पसंद है, इसलिए मैंने ब्लैक कलर में बाय किया है। और ये आप देख सकते हैं, इस तरीके की पैकिंग में आपको ये देखने को मिल जाता है। येलो कलर की पैकिंग आपको देखने को मिल जाती है। और बैक साइड पर जो इसका MRP है, उसे आप देख सकते हैं 3999 लिखा गया है, पर इसे मैंने 2300 रुपये में बाय किया है। तो जो इसका प्राइस है वो वेरी करता रहता है टाइम टू टाइम, तो आप अपने हिसाब से इसे बाय कर सकते हैं। आज हम ये देखने वाले हैं कि ये TWS 2300 रुपये में कैसे आपको आउटपुट देने वाले हैं। और अगर आपने पहले भी रियलमी के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, खासकर की ऑडियो प्रोडक्ट्स, तो आपको पता होगा जो इसकी क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। तो इसीलिए आज मैं ये TWS लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। और आपको पता होगा रियलमी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी जो पैकिंग है वो काफ़ी शानदार होती है। तो यहाँ पे मैं इसे एक बार अनबॉक्स कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो सामने की तरफ हमारे TWS रखे हुए हैं, इसे हम साइड में रखते हैं अभी। और बॉक्स है उसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ और क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है। आपको एक डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से, जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, उन्हें आप पढ़ भी सकते हैं। और उसके बाद आपको दो एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल जाएंगी, और साथ ही आपको एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से, जिसकी लेंथ और क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है। तो फाइनली हम बात करते हैं हमारे TWS की। तो इस तरीके की पैकिंग में हमें देखने को मिल जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस पे बॉक्स पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस लग रहे होंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको नया TWS ऐसा ही मिलेगा। बात यह है कि इसे मुझे यूज़ करते हुए लगभग 15 दिन हो चुके हैं, तो इसीलिए 15 दिन के दौरान जो यूसेज के साइन है वो आपको इस पर थोड़े बहुत दिखेंगे। मैंने इसे 15 दिन तक यूज़ किया है, उसके बाद मैं आज आपके लिए रिव्यू लेकर आया हूँ। मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी कैसी आपको देखने को मिल जाती है। ओवरव्यू की बात करें तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज है इसका, आप देख सकते हैं। तो इसको कैरी करना काफ़ी ईजी है, आप अपनी जीन्स की पॉकेट में भी इसे काफ़ी ईजिली कैरी कर सकते हैं, काफ़ी कम स्पेस में आ जाते हैं। नीचे की साइड आपको इसमें चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा जो टाइप सी वाला है, और सामने की तरफ आपको LED इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो इस तरीके से जो इसकी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी, बाहर जो ब्लैक कलर है उसमें आपको मैट फिनिश देखने को मिल जाता है, और अंदर की साइड आपको ये क्रीम कलर देखने को मिल जाता है ग्लॉसी फिनिश में। तो अंदर की शाइनिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी शाइनी मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है, और वन हैंड ऑपरेशन काफ़ी ईजी है, और जो हिंज की क्वालिटी वो काफ़ी डिसेंट है। जो हिंज है बिल्कुल भी आपको लूज देखने को नहीं मिलेगी, कि बिल्ड क्वालिटी मैंने काफ़ी अच्छा ध्यान दिया है। अब बात कर लेते हैं हमारे TWS की। तो इस तरीके से ये बाहर निकल कर आते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो TWS की क्वालिटी है वो भी काफ़ी डिसेंट है। तो अगर आप पास से देखेंगे तो इस तरीके से जो इसकी क्वालिटी वो आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ आपको मैग्नेट देखने को मिल जाएगी चार्जिंग केस के लिए, और इसमें कॉर्ड माइक्स का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, तो कॉलिंग क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट है इनकी। और इसमें आपको 30 dB की ANC देखने को मिल जाती है, तो उसकी वजह से जो इसकी कॉलिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकल कर आती है। मैंने इसे रियल लाइफ में टेस्ट किया है, तो काफ़ी अच्छी कॉलिंग क्वालिटी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, तो कॉलिंग पर्पस के लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और बाकी इसमें काफ़ी अच्छी खासी आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, कंपनी क्लेम करती है 40 आवर्स का प्लेबैक टाइम इंक्लूडिंग केस, पर मुझे एज सच बैटरी में कोई दिक्कत नहीं हुई है, मुझे काफ़ी पसंद आई है। और डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी लाइट वेट है, और पर्सनली मैं बताऊँ तो मेरे ईयर में काफ़ी अच्छे से फिट हुई है, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसे लेंगे तो आपको भी कोई फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, आप रनिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं इनको लेकर। बैक साइड में आपको इसमें टच कंट्रोल देखने को मिल जाता है, इसमें कोई बटन नहीं दिया गया है, और जैसे कि बॉक्स पे ही मेंशन किया गया है, इसमें आपको 360 डिग्री स्पेशल साउंड देखने को मिल जाती है। और उसके बाद आपको 50 ms की अल्ट्रा लो लेटेंसी देखने को मिल जाती है, और कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और साथ ही ये जो TWS है ये रियलमी लिंक ऐप को सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये आईफोन वगैरह में रियलमी लिंक ऐप को सपोर्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ एंड्रॉइड डिवाइस के लिए है ये। और बाकी आईफोन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, पर ऐप का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको आईफोन से कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको कनेक्शन देखने को मिलता है। और एक और कमी है इसमें जो बाकी TWS में हमेशा आती है, कि इसमें जो गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, तो वो एक कमी मेरे को इसमें लगी, अगर वो होता तो और अच्छा रहता। और साथ ही मैं आपको बता दूं, इसमें डुअल कनेक्शन का सपोर्ट तो देखने को मिलता है, पर ये ऑटोमेटिकली स्विच नहीं होता, आपको ऐप में जाकर इसे स्विच करना होगा, रियलमी लिंक ऐप जो मैंने आपको बताया। और जो इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है, इसके जैसे ही आप मोड्स को एनेबल करते हैं, अलग अलग मोड्स को, तो इतनी लाउड साउंड आती है कि आप सुन भी नहीं पाएंगे, और लाउड साउंड पे भी बिल्कुल क्लियर आपको आवाज़ देखने को मिलेगी। जो बेस है, टेरेबल है, या फिर वॉल्यूम है, वोकल्स हैं, सब कुछ अच्छा है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी पसंद आई है, तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मेरे पास एक आईफोन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, और ये जो हमारे TWS है यहाँ पे पेयर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और वहीं अगर मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि जो रियलमी लिंक ऐप है उसमें ये शो नहीं करेंगे अभी भी, यहाँ पर मैं लोकेशन को भी ऑन कर देता हूँ, पर फिर भी आप देख सकते हैं रियलमी T300 आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइस में ये सपोर्ट करता है। बाकी उसके अलावा जो इसकी क्वालिटी है वो काफ़ी डिसेंट है,
ओवरऑल मुझे काफी पसंद आई है, आप भी इसे कंसीडर कर सकते हैं और इन्हें बाय कर सकते हैं। इनको बाय करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। बाकी दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अनबॉक्सिंग में। थैंक यू।